गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। बस हो गई है मॉर्निंग और उठ गया हूँ मैं। अब बस डेली का जो काम है, मतलब सो उठना, वॉशरूम जाना, मुँह हाथ धुलना, ब्रश वश करना, उसके बाद चावा है, बस ये काम चलता रहता है। देखता हूँ फिर आज कहाँ जाता हूँ, घूमने जाऊँगा, मार्केट में जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पड़े पड़े मतलब टाइम नहीं कटता। और अब सोच रहा हूँ कि घर जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी समय हो गया और यहाँ पर मतलब पड़े पड़े मतलब चहलकदमी नहीं होती है ना, तो मतलब वो बस ऐसे ही रहता है गांव में। मतलब रहता हूँ तो इधर से उधर मतलब घूमता रहता हूँ, चहलकदमी करता अच्छा लगता है। वहाँ खुला खुला रहता है सब कुछ, खेत क्यारी है, खेत खलिहान है, तो बस वहाँ बहुत अच्छा लगता है, सुकून सा मिलता है। और अब वो फार्म हाउस पे थोड़ा सा काम वाम करवाऊंगा, तो देखते हैं चलते हैं घर पे, कल चलते हैं, कल मॉर्निंग में निकलता हूँ या फिर आज देखता हूँ, आज मौका लगे तो आज निकल जाऊँ, नहीं तो कल। 1 hour later. लो जी, रेडी हो गया हूँ नहा धोकर, और रानी भी रेडी हो गई है, वो अपने रूम में चेंज कर रही है। और आज रानी की मतलब दवाई आएगी, तो हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद, मतलब पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं मार्केट में और रानी की दवाई लाने के लिए। रानी लगभग लगभग तैयार हो चुकी है और टेबल पर आ गई है ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो वो मतलब तैयारी कर रही है ब्रेकफास्ट करने की। तो ये देखो चाय हमारी आ गई है, और बस ठीक है पहले चाय लेते हैं, उसके बाद मतलब बाकी का काम। तो शुरुआत करते हैं बिस्किट के साथ, तो ठीक है आ जाओ करते हैं ब्रेकफास्ट। A few moments later. लो जी निकला है घर से रानी की मेडिसिन दिलवाने के लिए, जा रहे हैं। तो बस जैसे ही पहुँचते हैं हॉस्पिटल, वैसे ही हाँ, रानी मुझे भी को अच्छा मतलब लगता आके है चमका देते हैं, मैडम को दिखा देते आप हैं, केयर करते हो, और इतना क्या पूछते हो। मेडिसिन मतलब मैम देती हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं वापस घर। तो खाना वाना हो देखते गया? हैं अब मार्केट में भी घूम लेंगे, थोड़ा सा ब्लॉग बना लेंगे, और वहाँ देखते हैं कि कितना टाइम लगता है हाँ कितना नहीं। रानी बिजी है बातों पर, बातें करेंगे। चलो ठीक है, मैं ड्राइव पे अच्छा, ध्यान देता हूँ। 1 hour later. लो जी आ गए हैं हॉस्पिटल के सामने, तो अब चलते हैं और दिखा देते हैं रानी के लिए। लो जी आ गए हैं हॉस्पिटल में, और बस डॉक्टर साहब को नंबर लगवा दिया है, और जैसे ही नंबर आता है वैसे रानी को दिखा देंगे। रानी का बीपी चेक हो रहा है। लो जी अब वेट हो रहा है रानी का, कितना बेटा 86 86 तो 86 वेट है रानी का। मैं अपना वेट करता हूँ कि मेरा वेट कितना है, ये 0 है यहाँ पर, इस पर स्टार्ट होता हूँ। 78.120 78 kg। सही है, नॉर्मल है मेरा वेट, एकदम फिट हूँ मैं। बस ये पेट ही भारी हो रहा है हल्का सा, तो इसे नॉर्मल हो जाएगा, ये कोई नहीं। रानी ने अपना माइक लगा लिया है और अपनी ब्लॉगिंग करनी शुरू कर रही है। आ गए हैं अंदर रिसेप्शन पे, तो बस बैठे हुए हैं, और मतलब बीपी चेक हो गया रानी का और वेट चेक हो गया, तो बस अब हमारा नंबर आने वाला है। 3 नंबर के बाद और चौथा नंबर हमारा आई है, तो बस अंदर जाएंगे डॉक्टर साहब के केबिन में, और इधर पूरा मतलब ये है। तो ठीक है वेट कर रहे हैं, और जैसे ही नंबर आता है वैसे ही हम अंदर जाते हैं और डॉक्टर साहब को दिखाते हैं। A few moments later. लो जी फाइनली अब हमारा नंबर आ गया है और डॉक्टर साहब को दिखाते हैं, तो ठीक है चलते हैं और दिखाने के लिए आने के लिए। रानी चल बेटा चलो, और ये देखो रानी जा रही है डॉक्टर साहब के वन। तो ठीक है मैं पहुंचता हूँ और दिखाता हूँ डॉक्टर साहब के लिए, A few moments later. दिखा दिया है डॉक्टर साहब के लिए, और अब निकलते हैं हॉस्पिटल से घर की तरफ। लो जी फाइनली डॉक्टर साहब को दिखा दिया है रानी के लिए, और रिपोर्ट सब नॉर्मल है, बस सब खाने पीने से ही वेट बढ़ रहा है। पहले एक्सरसाइज करती थी रानी और जिम वगैरह ज्वाइन कर लिया था पहले, तो जिम जाती थी, मेहनत करती थी काफ़ी, तो इसलिए मतलब फिट थी। लेकिन अब मतलब जिम छोड़ दी है और मतलब खूब खा रही है दबाकर उल्टा सीधा, तो बस यही है फास्ट इसलिए फूड बहुत मतलब खाया है। हाँ इसे फास्ट फूड बहुत खाया, तो इसलिए मोटी हो रही है, और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब नॉर्मल है। काफ़ी समय हो गया यहाँ पर घूमते घूमते शहर में, रानी ने कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, तो बस भूख सी लग रही थी मुझे, तो मैंने ये वेज बिरयानी है ये ले ली है। ये देखो मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ इसका कलर, ये देखो। तो बस वेज बिरयानी मुझे पसंद है, जो कि आपको मतलब पता है
मैं चावल अच्छे तरीके से खाता हूँ, तो कभी मौका मिलता है तो वेज बिरयानी खा लेता हूँ। बिरयानी लो जी, हो गई है, खा ली है पेट भर के बिरयानी। तो अब चलते हैं घर के लिए। पेट्रोल पंप पर आए हुए हैं, गाड़ी में पेट्रोल कम है, और जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से मैंने 3 टैंक खाली कर दिए हैं, मतलब गाड़ी के 3 बार संदीप जी ने मतलब ओवर करवा दी थी टंकी। और 3 बार, आज चौथी बार है, चौथी बार मतलब फिलिप कराएंगे, पूरा फुल कराएंगे टंक के लिए, तो बस 4 बार मतलब देखते हैं, कल चला जाऊंगा, घर जाऊंगा, क्योंकि फार्म हाउस पर मतलब काम करवाना है, तो बस 3 बार टैंक मतलब मैंने मतलब खाली कर दिया संदीप जी का। A few moments later. रास्ते से निकलते निकलते रानी ने कहा कि भैया ये ठेला पड़ा है, मूंग की दाल की जो बढ़िया बनाते हैं वो बहुत अच्छी बनाते हैं, तो ये देखो। तो रानी तो खाएगी नहीं क्योंकि ये तली भुनी चीज़ें हैं, तो इसने मतलब मुझे दिलवाई है कि भैया आप खाकर देखो, इनका टेस्ट लाजवाब, मैं दिखाता हूँ आपको मूंग की बढ़िया, ये देखो। तो बस रानी ने मतलब दिलवा दी, काफ़ी टेस्टी हैं, अच्छे हैं, यहाँ पर मुझे ये अच्छी लगी। और रानी को हमारे मतलब शहर में जो मतलब क्या होती है मिर्ची मिर्चें, हाँ होती है, जो मिर्ची होती है वो पसंद है रानी के लिए, और मुझे ये भी अच्छी लगी। अगर मैं कल जाऊंगी तो जरूर खा के आऊंगी, हाँ चाहे कल कितनी भी मना है। कल रानी मतलब सोच रही है जाने की, मैं भी मतलब जाऊंगा, तो देखते हैं चलते हैं, और मतलब खाकर मैं A निकलते हैं। few moments later. संदीप जी को रिसीव कर लिया हमने, और संदीप जी की आज शेविंग होगी, तो बस वो शेविंग यहाँ पर चलेंगे। जी संदीप जी सर, अच्छा है सर, अच्छी डेकोरेशन, अच्छी बढ़िया है, दिखाता हूँ। लो जी दोस्तों, संदीप जी की शेविंग हो गई है और हम आ गए अपनी गाड़ी में, तो ठीक है अब निकलना है घर के लिए, और आज का व्लॉग बस यहीं तक रहने हाँ देते जी, हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, बिंदास रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय बाय बाय, बाय हैव अ गुड नाइट, विश यू ड्रीम्स, बाय। रात पिंटू भी। के 8:30 बज चुके हैं और हमारा जो डिनर है वो लगभग लगभग तैयार हो चुका है, क्योंकि मतलब जो हमारे चावल हैं उसकी लास्ट सीटी आ गई है और बस चावल पच रहे हैं, अभी सीटी निकाली नहीं है, और रानी की चपाती सेकनी है और रानी अपनी चपाती लाकर मतलब खा रही है, क्योंकि वो हम मतलब ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको। अगर रानी हमारे संग खाने का वेट करेगी तो मतलब इसकी चपाती ठंडी हो जाएंगी, तो इसे खाने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हमारे चावल पच रहे हैं, तो बस जैसे ही पच जाते हैं वैसे ही मतलब हम परसेंगे और परोसेंगे और खाना मतलब लगा देंगे टेबल पर और खाएंगे, जबकि रानी मसक रही है अपनी चपाती। देखो हाँ। निखाओ बेटा, तो A few moments later. ठीक है काफी वेट हो गया, अब हमारे चावल मतलब पच गए हैं, तो ठीक है मैं परसता हूँ अपना खाना लगाता हूँ, और अरे यहाँ तो ऑलरेडी संदीप जी लगा रहे हैं खाना। चावल परस दिए हैं संदीप जी ने, और ये सब्जी, और उस तरफ रानी खा रही है। तो हम दोनों लोग खाते हैं, कम करो संदीप जी, ज्यादा ना खाऊंगा अभी। लो जी संदीप जी की थाली आ गई है, संदीप जी मतलब नींबू निचोड़ते हुए अपनी तोरी में, और मेरी थाली ये आ गई है ये देखो, और मैं भी नींबू निचोड़ देता हूँ अपनी तोरई में, डोंगा में नहीं किए, डोंगा में पहले करो फिर ये ज्यादा झंझट रहता है, मैं तो ऐसे देसी टाइप में मतलब मसकता हूँ दबाकर। लो जी नींबू निचोड़ दिया, तुम्हारे देखते हुए ये भी ऐसी लाया करते हैं। और मेरे देखा देखे संदीप जी भी मतलब उनका भी यही हाल है। हाँ यार मतलब जैसे मतलब जो देसी लुक में खाने खाने का मजा है ना वो बिना वैसे चम्मच नहीं, के नहीं खाते, चावल इसमें पानी से करेला खा है, दिए। करेला की सब्जी है ये, तोरई की सब्जी फिनिश करने के बाद फिर करेला लेंगे, संदीप करेला ले लियो ठीक है, चाय तो भी पी ठीक लेते हैं, है चाय भी पी लेते हैं। शुरुआत करते हैं खाने की। तो जी अच्छा टेस्ट है, खट्टी खट्टी तोरी होगी, अरे सलाद तो ले गई, सलाद ले। रात के 12:15 बज चुके हैं और रानी इस तरफ बनाना शेक बना रही है, ये देखो खाना बना हो गया है सब, बस रानी के मुड़ में आई कि भैया चलो मैं बना लेती हूँ बनाना शेक।
तो बस मैं दिखाता हूँ बनाना शेक की प्रक्रिया। ये बनाना छिलका छिलका सब इसमें मतलब डाल दिए हैं और एक राउंड भी लगा दिया इसमें, कच्चा दूध डाल दिया है और ये किशमिश वगैरह काजू वगैरह और बादाम वगैरह सब मतलब डालकर ये मतलब चला दिया गिराने। ये सब डाल दिए और संदीप जी रेडी हैं पीने के लिए और हम भी रेडी हैं पीने के लिए। और ये देखो बन गया हमारा मैंगो बनाना शेक। लेकिन सवाल ये उठता है कि रात के 12:15 बजे मैंगो शेक या फिर बनाना शेक या फिर जूस या फल पर कौन खाता है? हम खाते हैं, हम पीते हैं, रानी पीती है। रानी नहीं पिएगी, बस हम दोनों के लिए, संदीप जी के लिए और मेरे लिए मतलब ये बन रहा है बनाना शेक। अभी बातें कर रहे थे और ब्लॉग व्लॉग एडिट कर रहे थे, एक वीडियो शूट की थी, तो बस उसके बाद रानी के मूड में पता नहीं क्या मूड में आया इसके कि भैया चलो बनाना शेक बनाती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है बनाना, हम तो पी लेंगे। और ये मेरा बनाना शेक हो गया है तैयार। चलो जी मैं पहले सिर्फ सो टेस्ट रानी थोड़ा सा ना बर्फ फाड़ा मेरा बिल्कुल नहीं, जितना चिल्ड हो मतलब जूस हो या बनाना शेक या मैंगो शेक जो भी है मतलब जितना चिल्ड होगा उतना ही मुझे अच्छा लगता है। रात में और नहीं डाल सकती इससे ज्यादा, पूरा चिल्ड डाल दी मैंने इसमें, दूध भी ठंडा था। रानी नहीं पिएगी बनाना शेक तो बाकी जो बचा है वो थोड़ा सा मतलब कर देगी। थोड़ा करें थोड़ा बस रहने ना ना बस संदीप जी दे दो, ये हो जाएगा भी एक गिलास से ज्यादा है। और पीछे संदीप जी पी रहे कितने अच्छी पड़ी है हमारी। अभी सुबह सुबह को सही होगी नहीं, अभी सही होगी है, अभी होगी सही। हाँ। फिर सोमवार किस समय क्या टाइम हो गया? 1 बजे। हाँ 12 बजे नहीं वाले तो ठीक है पीते हैं।